नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल फैंस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके एल्युमिनियम टेक्निकल सुपर चैनल में। आज फैंस में आपको चौड़ाई की बिडिंग जो है कटर से काटना बताएंगे कि किस तरह से आप जो है इजीली कटर से काट सकते हैं जिससे कि आपकी जल्दी हो जाए। इस तरह से फैंस आप देख सकते हैं, जिस अगर आपका पार्टीशन है, विंडो है, डोर है, इस तरह से आप चौड़ाई का पूरा नाप ले लें और उसके बाद फैंस बिडिंग आप देख सकते हैं, इस तरह से आप जो है पूरी सीधी ही काट लें, कलम में काटने की ज़रूरत नहीं। एक बार आप नाप लेके और इसको बिल्कुल सीधी काट लें, जितना आपका साइज़ है उस साइज़ की। ये देख सकते हैं आप, जैसे हमने साइज़ लिया है उसका, तो हमारा 33 इंची एक सूत आ रहा है। हम 33 इंची एक सूत का ही निशान लगा के और इस तरह से फैंस जो है बिडिंग को जो है बिल्कुल सीधा काट देंगे कटर के साथ। आप देख सकते हैं इसी तरह आपने जो है चौड़ाई का साइज़ लेना है सभी का और सीधा इस तरह से कटर से फटाफट काट लेना है कट मार के। और ये देख सकते हैं आप, चार बिडिंगें हमारी ये तैयार हो चुकी हैं, बिल्कुल हमारी इसके बराबर आ रही हैं, बिल्कुल ठीक आ रही हैं। एक बार हमने चेक भी कर ली हैं, क्योंकि ये देख सकते हैं चारों बिडिंगें हमने जो है चेक कर ली हैं, ये हमारी बिल्कुल ठीक आ रही हैं। तो अब चलते हैं फैंस, अब मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे आपने इसकी कलम बनानी है कटर के साथ और कभी भी आप कहीं भी आप फटाफट काट सकते हैं जल्दी से जल्दी। सबसे पहले आप देख सकते हैं फैंस, हमको एक ये टुकड़ा लेना है 4 इंची बाई 2.25 इंच का। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा 4 इंची का टुकड़ा है, 4 इंची बाई 2.25 इंच सेक्शन का, ये एल्युमिनियम सेक्शन जो होता है उसका टुकड़ा हमने लेना है। और इसमें से फैंस आप अपने कटर के एडजस्ट के हिसाब से काट सकते हैं। हम काटेंगे इसको 4 इंची 5 सूत, आप 4 इंची 2 सूत भी काट सकते हैं, 3 सूत भी काट सकते हैं, 5 सूत भी काट सकते हैं। कलम का आप देख के कि कलम हमारी बिल्कुल सही आ रही है नहीं, तो मैं इसको 4 इंची 5 सूत फैंस आप देख सकते हैं इस तरह से निशान लगा के, और ये हम 4 इंची 5 सूत का एक 4 इंची 2 इंच का काट लेंगे 4 इंच 5 सूत। आप अपने कटर के हिसाब से सेट, जैसे आपका जहाँ कटर सेट आता है उस हिसाब से आप 4 इंची 3 सूत भी कर सकते हैं, इसको 4 इंची 2 सूत भी कर सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये हमने 4 इंची 5 सूत का काट लिया है। काटने के बाद फ्रेंड्स इसको हम इस तरह से कटर में लगा देंगे, ये देख सकते हैं आप इस तरह से हमने। और ये फैंस एक एंगल भी लेना है हमने, जो एंगल हम लगाते हैं 1 इंची 1.5 इंची या 1.5 इंची 1.5 इंची हो, कोई सा भी एंगल हो, और उसको फैंस आपने इस तरह से पीछे करके, इसको थोड़ा सा पीछे करके, और एंगल को आपने 6-7 इंच तक का एंगल आपने रखना है, कि जिससे कि इस तरह से एंगल रख के आप, और ये टुकड़ा रख के, और इस तरह से आप कटर के ऊपर कस देंगे। एक बार ये गेज बन जाएगा फिर आपकी जो है बिडिंग काटने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और इस तरह से फैंस एंगल जो है हम थोड़ा सा फालतू रखेंगे, जिससे कि हमारा ब्लेड से पूरा कटता चला जाए। ये आप देख सकते हैं, ये ब्लेड से मैंने पूरा काट दिया है। अब एंगल जो है हमारा पूरा ब्लेड जो होता है उसके साथ पूरा टच है, तो इस तरह से आपने टच करना है। उसके बाद फैंस बिडिंग आप देख सकते हैं, ये बिडिंग हमने जो सीधी काटी हुई थी ये हम बिल्कुल यहाँ पर ऐसे रखेंगे। एक बार आप देख सकते हैं, ये जो एंगल है बिल्कुल हम इसके किनारे पर रखेंगे ये, और ये यहाँ पे इस साइड देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा हम बांक के साथ जो हमने टच की है इसके साथ यहाँ पे बिल्कुल टच रखेंगे, और यहाँ पे हम एंगल के साथ बिल्कुल टच रखेंगे, और इस तरह से फैंस हम काटते चले जाएंगे सिखा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, इस साइड आपने काटनी है, उल्टी साइड आ गई हमारी, ये देख सकते हैं कलम बिल्कुल हमारी फर्स्ट क्लास बनी हुई है। और दूसरी साइड भी आपने इसी तरह से करना है, वहाँ एंगल के साथ जो है आपने टच रखना है, और यहाँ पर आप बिल्कुल यहाँ पर इस साइड भी आप टच रखेंगे बांक के साथ में, और इस तरह से आपने जो है दोनों साइड देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने इसमें कलम काट दी। ये सीधी साइड आ गई आपकी और इस साइड आपकी उल्टी साइड आ गई, ये दोनों साइड हमारी कलम बन गई है। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसको कटर के साथ ही आप देख सकते हैं, इसका जो अंदर का जो हमें कट निकालना होता है, जो हम कट निकालते हैं वो हम इस तरह से कट चला के ऑन करके कटर, और इस तरह से हम अंदर वाला कट निकाल सकते हैं। देख सकते हैं आप बिल्कुल सफाई के साथ जो अंदर हमारा कट निकालते हैं वो आपने इस तरह से कटर के साथ कटर निकाल देने हैं सभी ने। और ये देख सकते हैं आप जो है हमारी बिडिंग जो है कलम की तैयार हो सकती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इस कहीं भी बिडिंग जो है कटर से काट सकते हैं, हाथ से काटने की ज़रूरत नहीं। अब मैं इसको चेक करके भी दिखाऊंगा आपको। देख सकते हैं फ्रेंड्स, पहले हम हाइट की काट लेते हैं, जो हमने विंडो का जिसका नाप लिया है कि हाइट की बिडिंग हमने 12 इंच का हमारा हाइट है, तो हमने हाइट की इस तरह से बिडिंग काटनी है। और काटने के बाद फैंस इसको लगा के और चेक करके दिखाता हूँ आपको कि ये देख सकते हैं आप, ये सबसे पहले हम हाइट की लगा देंगे बिडिंग इस तरह से। ये देख सकते हैं हमारी हाइट की हो गई इस साइड भी, और यहाँ पे भी हम हाइट की भी ये इधर भी लगा देंगे इस तरह से।
और उसके बाद फेंस ये जो हमने चौड़ाई की काटी हुई है ये दिखा दूँ आपको, ये हमारी बिल्कुल सफाई के साथ और बहुत जल्दी आप काट सकते हैं बहुत ईजली। ये देख सकते हैं लगाने के बाद ये हम जो है चौड़ाई की लगा देते हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप बिल्कुल हमारी फ़र्स्ट क्लास ये बिडिंग जो है बैठ गई है। इसके साथ में कलम भी आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारी फ़र्स्ट क्लास निकली हुई है, और थोड़ी बहुत अगर कम ज़्यादा होती है तो आप कैंची से भी इसको जब टक काटने के बाद कैंची से थोड़ी बहुत काट सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा एंगल आपका 6-7 इंच का होना चाहिए, और एंगल इस तरह से आपने उल्टा करके रखना है जे कटर को, ये जो ब्लेड है हमारा इसके साथ में बिल्कुल ये एंगल जो है आपका टच होना चाहिए। और इस तरह से 4.25 का जो ये टुकड़ा लगाया हमने, ये 4 इंची 2 सूत या 3 सूत 4 सूत 5 सूत ये आप कलम के हिसाब से ये टुकड़ा एडजस्ट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे इस साइड भी आप टच रखेंगे बिडिंग को, देख सकते हैं ये बिडिंग आप दिखा दूं मैं आपको एक बार, ये आपको ध्यान रखना है ये जो आगे वाला हिस्सा है बिल्कुल एंगल के साथ वहाँ टच होना चाहिए, पीछे वाला हिस्सा जो बिडिंग का है वो वाला टच होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिडिंग हमारी ये जो बांक के साथ जो हमने टाइट की है इसके साथ यहाँ बिल्कुल टच होना चाहिए, बिल्कुल आपका गेज बन जाता है। इससे आप जो है फटाफट बिडिंग कटती चली जाएगी आपकी फ़र्स्ट क्लास और बहुत बढ़िया तरीके से, कहीं भी अभी आप अंजवा लें या काट के देख लें अगर आपकी बिडिंग फ़र्स्ट क्लास कट जाएगी। तो इस तरह से फैंस हम व्यर्थ की बिडिंग कट के साथ काट सकते हैं। थैंक यू।